गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम मोरहाबादी मैदान में मौजूद हैं, जहां प्रतिदिन यहां पर रिहर्सल किया जा रहा था और फुल ड्रेस रिहर्सल के साथ यहां पर 16 प्लाटून और 4 बैंड पार्टियों ने कल रिहर्सल किया, जिसकी यहां पर सलामी भी ली गई यहां पर उपायुक्त के द्वारा। वहीं तमाम चीज़ें लगभग तैयार है और कल सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे। ऐसे में यहाँ पर विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाली है ये 10 झांकियाँ, जो कि राज्य सरकार की तमाम उन योजनाओं का बखान करती नजर आएंगी। जी हाँ, यहाँ पर टीबी हारे का झारखंड जीतेगा, टीबी मुक्त झारखंड बनाने के लिए जो राज्य सरकार की योजना रही उसका यहाँ पर प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिल रहा है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर यहाँ पर देखिए ये झांकी जो है वो यहाँ पर निकाली जाएगी। तो तमाम झारखंड सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई झांकियाँ जो हैं ये यहाँ पर तैयार की जा रही है, जो कल के लिए लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। और सीपी राधाकृष्णन यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे। इसके अलावा झारखंड की उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। हम आपको एक बार उन तमाम झांकियों की झलक दिखाते हैं जहाँ तैयारियाँ जो हैं वो अंतिम चरण पर हैं। जितने भी कारीगर जो हैं वो अब अंतिम चरण पर झांकी का जो है अंतिम रूप दे रहे हैं। ये देखिए किस तरह से सूत काटते हुए यहाँ पर महात्मा गांधी की तस्वीर और ये यहाँ पर चरखा यहाँ पर इस झांकी में विशाल झांकी जो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, तो इसे तैयार किया जा रहा है। तो ये तमाम उन केंद्र सरकार की योजनाओं की जो झांकी है वो यहाँ पर सजी हुई आपको दिखेगी। और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर संकेतिक बिरसा ग्राम विकास योजना का जो है ये झांकी जो है ये तैयार की जा रही है। तो कुल 10 झांकियाँ जो है राज्य सरकार की तमाम योजनाओं की झलक जो है इन झांकियों में देखने को मिलेगी। कारीगर जो है इसे अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक जो है ये झांकी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, ताकि ये कल आम लोगों के बीच जो है इसे प्रस्तुतिकरण इसका दिया जा सके और यही लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र जो है वो रहने वाला है। तो तैयारी अपने अंतिम चरण पर है और कल ये मोरहाबादी मैदान जो है वो ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान एक बार फिर से गणतंत्र दिवस में झंडे को की सलामी देने के लिए जो तैयारियाँ जो हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और ये ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान जो है वो फिर से इस पूरे घटनाक्रम का साक्षी बनेगा। और यहाँ पर लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है, आप भी आ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस यहाँ पर जो तमाम खोले गए हैं, CBSE स्कूल में कन्वर्ट किया गया सरकारी विद्यालय को, तो इसकी भी झांकी इसकी भी झलक देखने को मिलेगी। तो ये तमाम तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण में है और कल यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर गणतंत्र दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, कल ज़रूर मोरहाबादी मैदान आए और इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने और इन तमाम झांकियों का लुफ्त उठाएं। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।